मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने राहत शिविरों का निरीक्षण किया। सीएम चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए 1,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं फसलों को पहुंचे नुकसान की भरपाई फसल बीमा और राहत की राशि से की जाएगी। साथ ही प्रत्येक परिवार को 50 किलो अनाज वितरित किया जा रहा है। आज जहाज पर आया हूँ। अरे कोरोना हो जाएगा। आज जहाजपुरा शहीद कई गाँव जा रहा हूँ। मेरे वो भाई बहन जिनके मकान डूब गए थे, फसलें खराब हो गई, सामान खराब हो गया, उनके लिए राहत का एक पैकेज का इंतजाम किया है। इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। 50 किलो गेहूँ, मकान पूरा टूट गया हो तो 1,00,000, मनरेगा से 20,000 और शौचालय के 12,000, पशु सेट के लिए अलग से राशि, तो कुल मिला के पूरे इंतजाम करवाएंगे। और फसल अगर खराब हुई तो राहत की राशि देंगे, और फसल बीमा सबका करवा दिया है तो राहत की राशि और फसल बीमा मिला के नुकसान की भरपाई करवा देंगे। जनता को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाढ़ पीड़ितों की भी सब व्यवस्था की जाएगी। वाटरमैन राजेंद्र सिंह मुरैना।